Dear students. कैसे हैं आप सब माय नेम ऑफ सोशल हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रिंट मीडिया के बारे में और आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे पहले बात कर लेंगे एडवांटेजेस के बारे में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, के फ़वाद क्या क्या हैं सो वास्ट नंबर ऑफ़ पीपल हैव एक्सेस टू टेलीविज़न एंड रेडियो तो बच्चों ये तो आपको पता ही है कि बहुत से घरों में अब टी भी मौजूद है और जिन घरों में टी नहीं मौजूद वहाँ पर एटलीस्ट रेडियो ज़रूर मौजूद है और अब तो मोबाइल्स में भी रेडियो होता है इसलिए बहुत से लोगों को रेडियो तक एक्सेस हासिल है जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर केबल नहीं आती या फिर इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं वहाँ तक रेडियो सिग्नल्स डेफिनेटली पहुँच जाते हैं इसलिए लोग रेडियो सुन लेते हैं तो ये सब कुछ आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सो so, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक्सेस एज़ कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया काफ़ी ज़्यादा है न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन रीचेज पीपल क्विकली तो न्यूज़ यानी कि जो खबरें हैं और इसके अलावा भी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स होते हैं वो लोगों तक जल्दी पहुंच जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स जर्नल्स आ जाते हैं तो वो पढ़ने के बाद ही आपको समझ लगेगी कि खबर क्या है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं सकते जो पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए वो सिर्फ खबरें देख सकते हैं ये सुन सकते हैं तो उन्हें समझ लगती है इसीलिए न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाए तो वो ज्यादा तेजी से पहुंचती है एज कंपेयर टू प्रिंट मीडिया गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और अब तो क्योंकि मोबाइल्स मौजूद हैं लैपटॉप्स मौजूद हैं टैबलेट्स मौजूद हैं इसलिए जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है यूट्यूब फेसबुक और ये सारी भी जो आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं दीज़ आर ऑल गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद दोबारा भी देख सकते हो इफ़ यू हैव मिस्ड इट इसके अलावा भी बहुत से प्रोग्राम्स अब टीवी पर दिखाए जाते हैं कुछ इंफॉर्मेटिव भी होते हैं एजुकेशनल भी होते हैं सो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ़ एंटरटेनमेंट गुड कॉन्टेंट फॉर दोज टू लर्न कॉन्टेंट यानी कि मटीरियल तो अभी रिसेंटली आपने देखा ही था कि कोरोना वायरस जब शुरू हुआ तो ताकि इसलिए कि बच्चों का नुकसान ना हो एजुकेशनल टीवी पर बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए गवर्नमेंट की तरफ से भी जिनमें प्रॉपर बच्चों को पढ़ाया गया सिलेबस कवर कराया गया सो गुड कंटेंट फॉर दोज वांट टू लर्न तो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सा मटेरियल अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने भी देखा होगा कि आपने अगर किसी मटेरियल को सर्च करना हो कोई बात इंटरनेट पर सर्च करनी हो तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हो ना सिर्फ पढ़ सकते हो बल्कि बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोज़ भी अवेलेबल होती हैं अगर आपका पढ़ने का मूड नहीं है तो आप ऐसी वीडियोस ढूंढ सकते हो जिससे आपको आपका बेसिक कंसेप्ट या जो भी कंसेप्ट आप ढूंढ रहे हो या समझना चाह रहे हो वो इंटरनेट पर देख सको बहुत से टीचर्स अब ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं इसीलिए इंटरनेट पर बहुत सा मटेरियल अवेलेबल होता है तो अगर कोई कुछ सीखना चाहता है किसी कंसेप्ट के बारे में पढ़ना चाहता है या कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा सकता घर बैठे सीखना चाहता है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ी सहूलत है इंटरनेट इज एक्सट्रीमली फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग सो ऑल ऑफ़ यू नो इंटरनेट इज़ रियली फास्ट आप इंटरनेट के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हो इंटरनेट है ही इसलिए कि वो लोगों को आपस में कनेक्ट कर सके ये एक ऐसी फैसिलिटी है आजकल के दौर की जो लोगों को आपस में मिलाती है और इससे बिज़नेसेस भी चल रही हैं क्योंकि आपने देखा होगा आप ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें ऑर्डर करते हो जो आपके घर पहुंच जाती हैं एंड देन यू पे फॉर इट सो इंटरनेट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इंटरनेट के थ्रू आप बहुत जल्दी और आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो की पीपल आप अबाउट पोलिटिकल पार्टीज इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एक बहुत बड़ा फायदा है वो ये है कि अब हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है वो हमें साथ साथ पता लगता जाता है इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी कैसी परफॉर्मेंस जा रही है वो किस इलाके में कैसा काम कर रही हैं वो किस इलाके में काम नहीं कर रही हैं ये सारी बातें भी हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू फ़ौर पता लग जाती हैं हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल दे फेस ऑन डेली बेसिस इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी स्पीड की वजह से अपने फास्ट होने की वजह से बहुत ही आसानी से वो प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर देता है जो हम लोग डेली बेसिस पे फ़ेस करते हैं जैसा कि अगर किसी जगह सफाई नहीं हो रही लोग तंग हैं तो ये चीज़ ख़बरों में दिखाई जाती है अगर किसी जगह किसी के साथ जुल्म हुआ है या फिर किसी पर ज्यादती की गई है तो ये चीज़ भी फ़ौर अब मीडिया पर आ जाती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक फ़ायदा है कि जैसे ही कोई हादसा पेश आता है या कोई गलत काम होता है या कहीं पे आपको गवर्नमेंट की अटेंशन दिलाने की ज़रूरत होती है तो आपका मीडिया इस काम में आपकी मदद करता है अब आ जाते हैं हम डिसएडवांटेजेस की तरफ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुकसान क्या हैं सो टाइम स्पेंड कंज्यूमिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव और यूज़फुल कंज्यूम करने का मतलब होता है यूज़ करना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आप यूज़ करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई प्रोडक्टिव या कंस्ट्रक्टिव काम ही हो रहा हो अच्छा काम ही हो रहा हो आप अपना बहुत सा टाइम फजूल की वीडियोस देखने में भी ज़ाया करते हो इंटरनेट सर्फिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम इस पर आप कभी कभी बिला वजह अपना बहुत सा टाइम ज़ाया कर देते हो जो कि बहुत ही गलत बात है आप एक स्पेसिफ़िक टाइम रखो कि एक दिन में मैंने इससे ज़्यादा टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड जो भी गैजेट है या जो भी आप यूज़ कर रहे हो प्लेटफॉर्म उसको नहीं देना क्योंकि अगर आप खुद को लिमिट नहीं करोगे इस मामले में तो ग्रेजुअली आपका बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट यूज़ करने में ज़ाया हो जाएगा और कोशिश करो कि आप प्रोडक्टिव चीज़ें देखो अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखो अच्छी वीडियोस देखो यानी कि जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा हो ना कि आप ऐसी वीडियोस देखो जिनसे आपको फायदा ना हो बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ज़ाया हो अफेक्ट्स द आई साइट ऑफ व्यूअर्स एंड हेयरिंग एज वेल अब जो हमारी कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन होती हैं उनमें से कुछ ऐसी शॉएं निकलती हैं कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं तो अगर आप मुसलसल इन गैजेट्स को यूज़ करोगे तो ग्रेजुअली आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी बिल्कुल इसी तरह कभी कभी आप रात को मोबाइल यूज़ करते हो लाइट्स ऑफ होती हैं लेकिन आपके मोबाइल की लाइट ऑन होती है तो उस वजह से भी जो आपकी आई साइट है और आपकी आइस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इसके अलावा आपकी हेयरिंग भी अफेक्ट होती है बहुत से लोगों को आजकल आदत है ऊंची आवाज़ में गाने सुनने की फिर आप अपने इयरफोन्स लगाते हो ऊंची आवाज़ में गाने सुनते हो ये चीज़ ग्रेजुअली आपके जो ईयर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाती है यानी आपकी जो हेयरिंग कैपेबिलिटी है सुनने की जो ताकत है वो ग्रेजुअली कम होती चली जाती है उस वक्त तो आपको आइडिया नहीं होता व्हेन यू आर यंग उस वक्त आपको इतना फील भी नहीं होता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये आपकी हेयरिंग कैपेबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है और हो सकता है कि बड़ी उम्र तक पहुंचने पर आपका जो हयरिंग लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका हो सर्टन मीडिया प्रोग्राम्स आर नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वो सारे के सारे बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होते कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बच्चों के लिए नहीं होते या जिनको देखकर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें कुछ ऐसी वीडियोस या ऐसी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिनको देखकर आप डर जाते हो या जिनको देखकर एक बहुत ही डिप्रेसिंग सी फीलिंग आती है तो ऐसे प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए समटाइम्स द कंटेंट इज़ अनरिलायल एंड अनवेरीफाइड तो हमने ये बात पहले भी की थी कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनकी अनरिलायबिलिटी होती है मतलब वो रिलायबल नहीं होती वो वेरीफाइड नहीं होती उनके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये जो बात बताई जा रही है ये बिल्कुल ठीक है ये बिल्कुल ऐसे ही बताई जा रही है जैसे कि हुई थी सोशल मीडिया पर या फिर आप कह रहे हो अलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो कि वेरीफाइड नहीं होती जो कि सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही होती हैं या कुछ ऐसे वाक़ भी होते हैं जो कि सिरे से हुए ही नहीं होते लेकिन उन्हें बताया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि इस वजह से माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है इन्वामेंट खराब होता है झूठ फैलता है और लोगों को नुकसान पहुंचता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन कॉज नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स सेल्फ इस्टीम एंड डेवलपमेंट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कई बार झूठ बोला भी जाता है दिखाया भी जाता है और इससे कभी कभार लोगों की जो एक सेल्फ़ स्टीम होती है आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है फ़ॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा वाक़ा दिखाया गया है जिसमें कोई एक शख्स इन्वॉल्व था अब उस शख्स ने वो काम नहीं किया लेकिन सोशल मीडिया पर दिखा दिया गया कि जी इस शख्स ने ये गलत काम किया तो उस शख्स की रिप्यूट पर तो असर पड़ा ना उसका इमेज ख़राब होगा उसके माशरे में उसके लिए रहना मुश्किल होगा उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट होगी तो कई बार लोग तंग आकर ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं बिल्कुल इसी तरह फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसी बहुत सी बातें होती रहती हैं जहाँ पर आपकी वीडियोज़ लीक हो जाती हैं आपकी पिक्चर्स लीक हो जाती हैं ये चीज़ फाइनली किसी एक इंडिविजुअल को इतनी बुरी तरह अफेक्ट करती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान है आजकल के सोशल मीडिया का अभी रिसेंटली जब कोरोना वायरस आया तो घरों में रहने की वजह से सोशल मीडिया का यूज भी ज्यादा हुआ उस वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम आई पिक्चर्स का लीक हो जाना वीडियोज का लीक हो जाना अकाउंट्स का हैक हो जाना ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अब आपकी बुक में देर इज अ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन जिसमें उसने आपसे पूछे हैं दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तो हमने ये पूरा लेक्चर बात ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर की है और आपकी बुक में भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बड़ी क्लियरली लिखे हुए हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा हाफिज़